क्वेश्चन। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ समझिएगा। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स अपॉन में स्क्वायर प्लस वन। अगर मैं डी एक्स को उधर भेज दूं, डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, है ना बच्चों। अब इसका अपने को करना क्या है, इस पूरे का अपने को इंटीग्रेशन कर देना है, क्योंकि ये जो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कभी भी कुछ भी गिवन रहता है वो क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर रहा हूं और मैं इस तरफ भी इंटीग्रेशन ही कर रहा हूं। तो सर यहाँ का तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज वाई, ठीक है बेटा। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं टी मान लू तो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी। एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों कितना, हाफ डी टी। एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी। तो अगर अपन देखें, मैंने इसको तो बोल देना है कि ये एक्स डी एक्स है, ये तो हाफ डी टी हो गया और अपॉन में क्या हो गया टी। सब बात तो सही बोल रहे हो। अगर वाई इक्वल टू हाफ वन बाय टी का इंटीग्रेशन था लॉग टी, ठीक है सर, लॉग टी प्लस सी, वाई हाफ लॉग ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस कितना सी। क्या बात है सर, मैंने बोला हाँ बात तो यही है बच्चों, एक बार देख लो सर ऐसा। एक मिनट, हाँ बोले सर सर। इंटीग्रेट मेरे पास एक और क्वेश्चन है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसको ऐसा करूं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर कितना माइनस एक्स, तो ये चला जाएगा उधर। मैंने बोला हाँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। सॉरी, ऊपर तो माइनस चल रहा था ना बच्चों, ऊपर माइनस चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, प्लस डी एक्स, ठीक है बच्चे। अब अगर इस बात को देखोगे और आराम से करने की कोशिश करोगे तो मेरे पास तो वापस से ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी मानने का टाइम आ गया। हाँ सर, इसको आप टी मान लो, तो e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस x डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी, ठीक है सर। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तो वाई हो गया, इसको आपने टी माना तो ऊपर वाला डी टी हो गया, तो डी टी होंगे 1/2 वाई इज इक्वल टू लॉग प्लस सी, तो वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस कितना सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है ना। सुशील, डी वाई बाय डी एक्स ये तो चले जाएगा, तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में कितना साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। क्या बात है सर, बिल्कुल सही। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तो वाई हो गया, यहाँ पे डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर 4x, यहाँ पे ऐसा करना है सर, वन अपॉन में कॉस की पावर 4x दिस होल अपॉन में साइन की पावर 4x अपॉन में कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन में कॉस की पावर 4x, ठीक है सर। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा सेक की पावर 4x अपॉन में एम की पावर 4x प्लस वन। पहले बच्चे यहां तक, क्योंकि बच्चों वो इस प्रकार से कि ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, एक सेक स्क्वायर एक्स का तो मतलब 1 + 10² एक्स होता है, और बचा हुआ सेक स्क्वायर एक्स रहने दिया, और यहाँ पे 10 की पावर या 10x की पावर 4 प्लस वन मिलती है, ठीक है सर। इसके बाद क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं करूंगा। अगर मैंने 10x को t पुट कर दिया ऑटोमेटिकली जो ऊपर चल रहा है sec square x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अगर 10x को t पुट कर दिया तो जो ऊपर चल रहा है sec square x dx वो कितना हो जाएगा आपका
डीटी। बच्चों ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा डी प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, टी की पावर 4 प्लस 1 इनटू कितना हो गया ये पूरा क्वेश्चन वहां पर पहुंच गया सर, क्योंकि आपने टेन एक्स को टी माना है ना, मैंने बोला हाँ टेन एक्स को तो टी माना है, ठीक है सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप चल रही है इसके आगे, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। तो सर अगली स्टेप क्या है, वन अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर अपॉन में टी की पावर फोर बाय टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टी स्क्वायर। पहले यहां तक वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर, ठीक है सर, ये बात भी सही है। मैं इसमें सिर्फ एक स्टेप ऐड करना चाहता हूं कि अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं माइनस टू टी वन बाय टी प्लस टू टी वन बाय टी, तो ऐसा क्यों करा? अरे माइनस भी करा प्लस भी करा, ना बता रहा हूं क्यों करा, लेकिन तू कर तो दे पहले। माइनस भी करा इसको अपन ने, सब्ट्रैक्ट भी करा और प्लस भी करा, इससे क्या हो जाएगा सुन ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए सॉरी माइनस टू ए बी, माइनस कितना टू ए बी, ठीक है सर। अगर इसके आगे समझे तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टी माइनस वन बाय टी का होल स्क्वायर प्लस टी माइनस वन बाय टी का होल स्क्वायर प्लस। अभी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाया जाए कि अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे पास बक्से में t माइनस वन बाय टी को u मान लू तो t का डिफरेंस है वन और इसका हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन बाय टी स्क्वायर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो सर आपने t माइनस वन बाय टी को u माना क्या? मैंने बोला हाँ बच्चों उसको तो u माना और सर बाकी बचा हुआ क्या हो गया du। तो सर इससे पूरा गेम कहाँ खत्म हो गया, जो तो ऊपर वाला पार्ट है वो पूरा हो गया du और अपॉन में ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, ठीक है सर। अब अगर अपन बात करें ये तो सर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, तो ये तो होता है वन बाय ए टेन इनवर्स ऑफ x बाय या तो टेन इनवर्स ऑफ u बाय रूट टू, सर ये तो सही है। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है t माइनस वन बाय टी, तो ये हो जाएगा वन बाय रूट टू टेन इनवर्स ऑफ t माइनस वन बाय टी अपॉन में कितना रूट टू, वन बाय रूट टू टेन इनवर्स ऑफ, अगर अपन बात करें टी की वैल्यू क्या, टी को अपन ने माना था टेन एक्स, टी को अपन ने क्या माना था बच्चों टेन एक्स, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस वन बाय टेन एक्स अपॉन में रूट टू प्लस, क्या बात कर रहे हो सर, मैंने बोला आगे बात कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा करा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास कुछ इस प्रकार से, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इज इक्वल टू कितना टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसको उधर उधर भेज दें तो वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स, सही है सर, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन में कितना वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। अगर अपन इसको अलग भी ले लें तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को अलग अलग करके भी लिखूं तो टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में कितना वन प्लस एक्स स्क्वायर डी, ठीक है सर, ये बात भी सही है। सर अगर इसमें अगर अपन टेन इनवर्स ऑफ एक्स को टी मान लें तो वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाना है, मैंने बोला देखो हो तो जाना है एक बार फिर भी देख लूं। और सर अगर इस वाले पार्ट में वन प्लस एक्स स्क्वायर को पी माने तो ऊपर का 2x dx is equal to dp होना है या x dx is equal to half, मैंने बोला ये भी हो जाना है कोई लोड नहीं है। तो सर इंटीग्रेशन ऑफ dy तो कितना हो गया y, इसमें आपने 2 को बाहर लिया था और इसको अगर t माना था
तो बाकी बचा हुआ पार्ट जो अपॉन का 1+ पूरा वाला पार्ट था वो क्या हो गया डी टी प्लस, तो नीचे वाले को तुमने पी माना था तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया था हाफ डी पी अपॉन में पी। सर ये भी सही है, पाई इज इक्वल टू 2 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ लॉग पी प्लस। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने बोला हाँ। अब टी की वैल्यू कितनी है सर, टी की जो वैल्यू है वो तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ लॉग पी। पी का मतलब क्या है, 1+ x² प्लस सी। बात है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x² प्लस एक्स प्लस वन दिस होल इनटू डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको पूरे को उस तरफ भेज दूं और इसको इधर कर दूं तो सर हो क्या जाएगा, यहाँ पे तो बच जाएगा सिर्फ dy, ये हो जाएगा इसमें से भी x कॉमन ले लो तो 2x प्लस 1 अपॉन में x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 dx। क्या बात है सर, मैंने बोला हाँ यार बच्चों बात तो ऐसी ही है कुछ, और अगर अपन गेम को और आगे चलाएं तो जितना मुझे समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वुड बी वाई, और इसको चलो खोल के भी लिख लें 2x² प्लस एक्स, यहाँ से तो अपन अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वन, प्लस वन कॉमन लें तो भी ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स प्लस वन। ठीक है सर, ये बात भी आपकी सही है सर, वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 अपॉन में x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्या बात करूं सर, कहीं ये पार्शियल फ्रैक्शन की याद तो नहीं आ रहा, ए अपॉन में एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी। भैया वो 2x² प्लस x है ना, हाँ 2x² प्लस एक्स। एक्स ठीक है बच्चों, अब अगर मैं देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ही समझा दूं तो सर ये तो 2x² प्लस एक्स हो गया, अगर अपन ऐसा लिखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। सबसे पहले तो मेरी इच्छा है एक्स को पुट्टी करूं माइनस वन, सर एक्स को माइनस वन पुट करके आपको क्या हासिल हो जाएगा 2 × -1 का स्क्वायर माइनस वन, a × -1 का होल स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे अगर इसको ही माइनस वन पुट कर दिया तो ये तो पूरा ही पार्ट जीरो। टू माइनस वन इज वन इज इक्वल टू 2 है, इट एम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना, इट एम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना, हाँ मेरी इच्छा है अब मैं x को जीरो पुट कर दूं, तो x को जीरो पुट करके आपको क्या हासिल हो जाएगा, ये वाला पूरा सेट 2 × 0 प्लस जीरो तो जीरो ही हो जाएगा सर। ठीक है, ए इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो प्लस वन। क्या बात कर रहे हो सर, तो यहाँ पे तो जीरो, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा प्लस सी, तो सर c इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू माइनस हाफ, सर c भी आ गया क्या, मैंने बोला हाँ यार बच्चों सी भी तो आ गया, सी भी आ ही गया। ठीक है सर, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि सी आ गया तो अब क्या निकालना बच्चा, बच्चों बी, अब धीरे धीरे अपन क्या निकाल लेंगे बच्चों बी। ठीक है सर, ट्राई करते हैं बी निकालने के लिए भी, कि बी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली। चलो सर, लाइन तो वही है 2x² प्लस एक्स वाली, बोले हाँ सर। अब अगर मैं यहाँ पे तुमको यहाँ पे लिख दूं 2x² प्लस एक्स, मैं एक्स की जगह पे पुट कर रहा हूं इसमें, अगर हम वन पुट कर लेंगे जगह पे कितना वन, तो सर क्या हो जाएगा, पहले आप ये देख तो लो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन चल रहा है प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन चल रहा है, और अब मैं एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ वन, तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस वन, ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन, बी इंटू वन प्लस सी और वन प्लस वन, तो शायद यहाँ पे तो आ गया 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 2a प्लस या फिर 2 × b तो 2b प्लस 2c। क्या बात है सर, 2 तो कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड बाय 3 करते हैं, 3/2 इक्वल टू a प्लस b प्लस c। क्या बात है सर, अब a कितना है तेरे पास हाफ, मैं बोला हाँ a हाफ है, b का पता नहीं और c है माइनस हाफ, b इज इक्वल टू आ गया 3/2, b इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2। सर क्या कहानी अभी खत्म हुई है,
ना ना बच्चा, अभी कहानी कैसे खत्म हो सकती है, समझ ना यार, कहानी कैसे खत्म होगी अगर मैं तेरे को थोड़ा सा आगे चलने को बोलूं। इसके आगे की कहानी कुछ ऐसे बनेगी, इसका ही कहानी कुछ ऐसे बनेगी कि इंटीग्रेशन ऑफ तरह 2x² + x अपॉन में x² + 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू, क्या लिखा था तूने ध्यान रख, इज इक्वल टू क्या लिखा था बेटा, ए अपॉन में x+1 प्लस बी x+c अपॉन में कितना x² + 1। तो इज इक्वल टू ए की जगह पे तो आ गया हाफ अपॉन में कितना x+1 प्लस बी की जगह पे कितना आ गया 3/2। तो 3/2x-, सॉरी हाँ माइनस हाफ, क्योंकि सी की वैल्यू है माइनस हाफ अपॉन में x² + 1। अब सर क्या होगा कुछ बता भी दो। मैंने बोला क्या इसका मतलब है, ये तो हाफ log x+1 तो आ ही गया, इसका 3/2 बाहर ले लो, ये इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में x²-1/2 बाहर ले लो अपॉन में x² + 1। ठीक है सर, इससे क्या होगा सुनना, हाफ log x+1 तो चल ही रहा है सर, प्लस 3/2, इसमें अगर x² + 1 को t मानोगे तो हाफ dt आ जाएगा x dx सर। ठीक है, यहाँ पे आपका हाफ dt अपॉन में टी माइनस हाफ, इसका तो होता ही क्या है इनवर्स ऑफ एक्स, हाफ लॉग x+1 प्लस 3/2 इंटू हाफ लॉग टी, सर लॉग टी का मतलब x² + 1 माइनस हाफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कितना, एक नंबर उम्दा।